तो गाइस फाइनली आपको एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बंदा खली। ये देखो गाइस, मीट माय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप यार, व्हाट्स अप, हाउ आर यू भाई। छोरी आ गई टाइम पे और वो अपना लड़का वो नहीं आ पाया है, उसने फ्लाइट छोड़ दी, तो ये उठा रही उसको सुबह फोन करके 6 बजे। और अब बताओ टेंटरम तो सुनो, यहाँ तक तो चलो तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं, जो हो जाता है। मेन चीज़ मैं बताता हूँ क्या है, फ्लाइट है उसकी लैंड करके, मैंने लक्ष्य अर्चित को कहा था कि भाई भाई को पिक करके आ जाना जहाँ पे शूट की लोकेशन है, क्योंकि बहुत दूर थी वो यहाँ से, अराउंड 1.5 घंटा। तो कह रहा है कि भाई मैं नहीं आऊँगा किसी के साथ, मेरे को तू चाहिए एयरपोर्ट पे। मैं मगर समझे करना साले, टाइम की अहमियत को समझो। कह रहा मैं कैब करके आ रहा हूँ, कह रहा दो ऑप्शन दे रहा है, तो कैब करके आ रहा हूँ या तो तू आ जा। तो पागल वागल तो ना लगे, पर मैंने सोचा कि पहली बार ही आ रहा है, इसको भी लेने गया तो अनफेयर फील करेगा कि मैं बायस्ड हूँ। पर मैं तुम्हारा भाई बायस नहीं है, बिग बॉस बायस हो सकता है, तुम्हारा भाई नहीं है। कैसा लगा पॉइंट? कैसा लगा गैल बिठा गया? धीरे धीरे वैसे चुबा रहा हूँ पिन बीच बीच में। बट नहीं, बट एक्चुअली विशाल ने टेंट्रम दिया, आई एम सॉरी, बट दिस वाज अ टेंट्रम। हमसे जब पूछा गया था अंदर कि विशाल टेंट्रम देता है नहीं देता, जब मैं बोल रहा था कि हाँ देता है, मैंने भी बोला था देता है, पूछ के रहा था मैं कब देता हूँ टेंट्रम। नहीं, मैंने कब टेंट्रम, ये टेंट्रम भाई, ये वाले जो तू दे रहा है। हम कहाँ पहुंचे थे लवकीश? नोएडा हम पहुंच गए थे लगभग, एंड विशाल का फोन आया, हम यूटर्न लेके जा रहे हैं अभी से पिक करने। अब देखो भाई ये सब चीजें हो रही है, तुम्हारे भाई के क्या, इसके घर तुम्हारे भाई, चलो पर कोई बात ना, भाई चारे में हर चीज करते हैं हम। तो अभी जाते हैं लौंडे को पिक करने, अब लक्ष्य अर्चित को मना कर दूंगा कि भाई तुम सीधा साइट पे पहुंचो। मैं तो एक काम करूंगा कि उन्हें कह दूंगा कि तुम गाड़ी के पीछे पीछे लगा लो, ठीक है, और वहां चल के शूट स्टार्ट करते हैं। जो भी होगा भाई बहुत तगड़ा होगा। विशाल को देखना चाहते हो? एक्साइटेड, बट हो क्या रहा है पहले ये तो बताओ। इनको भी नहीं पता, देख सच्ची बताइए, मम्मी कसम है तुझे, मैंने अभी तक बताया तुम्हें? नहीं नहीं, कह रहा है नहीं, इट्स अ सरप्राइज, सो पता नहीं। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी बेटे, ब्लाइंडफोल्ड, जैसे बिग बॉस के सेट पे लेके गए थे। एक चीज तो मैंने ऑब्वियसली वहीं से सीखी है। चलो ठीक है गाइस, तो इस वाले व्लॉग को एंड करेंगे यहीं पर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तुम चारों विशाल को देखना पर अगले व्लॉग में देखना, ठीक है ना? ऐसा लगा, बाय, लव यू गाइस। और सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो दोनों को, मेरे को एंड सना, मुझे भी डीवा सना। भाई असलियत में ऐसी है यार ये, ठीक है ना, सच में कुछ, जब से ऐसी मुखाबिक क्या कर रही है तू, पागल चुप रहना, बोलने जा रहे जब से कुछ बोलने जा रही है, मैं सुन रहा हूँ, इस टाइम नेजी बन गया हूँ मैं, हाँ कर रहा हूँ। ठीक है यार, ख्याल रखो भाई, मिलता हूँ। और वीडियो जो आएगी ना, तुम क्या हो गया भाई, ये क्या ही कर दिया तुमने, तो मजा आ जाएंगे, ठीक है जी, ओके, अपना अपना है ना, अपना अपना, चलो।